दरअसल कुल्लू में 4000 से अधिक किसान विभिन्न प्रकार की दुग्ध सहकारी समितियां के साथ जुड़े हैं। ऐसे में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को दूध खरीद के दाम में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि किसानों को इसका अच्छा फायदा मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर एक दर्जन से अधिक दूध सहकारी समिति के सदस्यों ने ढालपुर में SDM अश्वनी कुमार के साथ मुलाकात की और उनके माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा। दुग्ध सहकारी समिति से जुड़ी हुई महिला भागा देवी का कहना है कि सरकार को इस बारे में ज्ञापन भी भेजा गया है ताकि मिल्क फेडरेशन को जो दूध किसानों द्वारा बेचा जाता है उसके दाम बढ़ाए जाएं, जिससे 4000 से अधिक किसानों को फायदा मिल सके। वहीं अगर सरकार के द्वारा इस दिशा में जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो मजबूरन दुग्ध सहकारी सभाओं को कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रतिदिन दूध उठाने जाती हूँ, दूध कम से कम 7-7.5 लगभग ले आती हूँ और इसमें प्रतिदिन मेरे साथ जुड़े हुए 300-350 लोग हैं लगभग। उनका कहना है कि दूध का रेट बढ़ाया जाए। हमारे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि आप कृपा करके, जो मेहनत करता है लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। हम सुबह 4 बजे से उठे होते हैं, देखो 4 बजे हमारी महिलाएं कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आती हैं और रोड तक हमें दूध पहुंचाती हैं। जैसे कि हम उनके पास ठीक 4:30 बजे पहुंच जाते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेहनत करता है उसके लिए फायदा भी दो। क्यों नहीं दे रही है फायदा? दूध जो है वो शरीर के लिए क्या हानिकारक है, जिसका रेट ही नहीं बढ़ रहे हैं। सब जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनका हर एक का रेट बढ़ाया गया है, रुपए में नहीं, 50 लगभग 50-60 रुपए में बढ़ाया गया है। दूध का रेट क्यों नहीं बढ़ाया जाता?